फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। तो गाइस जो पोपटलाल की शादी का जो अभी टॉपिक चल रहा है, इस पर मैं ऑलरेडी पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को भी देख लेना, और ये 4th वीडियो है। इसके बाद जो 5th वीडियो बनाऊंगा एकदम फाइनल होगी, जब ये एपिसोड एकदम खत्म हो जाएगा। तो चलिए गाइस अब सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि तारक मेहता पोपटलाल की शादी वाला एपिसोड अभी दिखाया जा रहा था, जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि पोपटलाल को दोनों ही लड़कियां पसंद है, और काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि पोपटलाल की क्या दो लड़कियों से शादी होगी। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। तो गाइस आप लोगों को पता ही है कि दो लड़कियों में से एक लड़की को सिलेक्ट करना था पोपटलाल को, और उन्होंने कल्पना को सिलेक्ट कर लिया। तो पोपटलाल की अब उनसे शादी होने वाली है। हालांकि जब पोपटलाल अपने सपने में थे, आप लोगों को पता होगा कि पहले ड्रीम से स्टार्ट किया था, जो कि तारक मेहता में बहुत पुरानी आदत है कि सपने वगैरह तो पक्का दिखाते हैं लोग। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ड्रीम में ऐसा दिखाया गया था कि पोपटलाल की पोल खुल गई और उनसे कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब गाइस पोपटलाल सपने से उठे तो एकदम सब कुछ क्लियर हो गया। तो पोपटलाल की गाइस अब देखना होगा कि पोपटलाल की क्या इस बार तारक मेहता में सच्ची में शादी दिखा दी जाएगी। गाइस मेरे को तो वैसे लगता नहीं है। एक और बार ऐसा एपिसोड दिखाया गया था 2016-17 के करीब, तब भी पोपटलाल की शादी नहीं हुई थी। तब पोपटलाल टेरिस की छत पर जाके लटक गए थे। क्या पता गाइस जैसे कि बबीता जी को इस बार गाड़ी मिल गई, क्या पता है पोपटलाल को भी लड़की मिल जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना, और अभी तक मेरी इसी टॉपिक पर 3 वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर चेकआउट करना। थैंक यू गाइस द वॉचिंग दिस।